हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग इस वीडियो में डिज़ाइन करने वाले हैं कुछ पेजेस जो हमारे प्रोजेक्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग आज उन पेजेस को डिज़ाइन करेंगे और सीखेंगे कि कैसे हम लोग डिज़ाइन कर सकते हैं पेजेस को, बूटस्ट्रैप को कैसे हम लोग यूटिलाइज़ कर सकते हैं अच्छे तरीके से पेजेस को डिज़ाइन करने के लिए। तो हम लोग इस वीडियो में बनाने वाले हैं तीन पेजेस। सबसे पहला पेज हम बनाएंगे होम पेज, जो कि आपके स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा है, कुछ ऐसा ही हम लोग डिज़ाइन करने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद हम लोग बनाएंगे यहाँ पे लॉगिन पेज, एग्जैक्टली ऐसे ही। मैं थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करूँगा जिससे आप कलर वगैरह चेंज कर पाएँ, बहुत सारी चेंज कर पाएँ। पूरे एप्लीकेशन का थीम आप एक ही क्लिक पर क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो हम लोग तीन पेजेस इस वीडियो में बनाएंगे। सबसे पहला हम बनाएंगे होम पेज, दूसरा हम लोग लॉगिन पेज, और तीसरा हम लोग रजिस्ट्रेशन पेज, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, उसकी वर्किंग करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, लॉगिन करेंगे और सारी चीज़ें करेंगे। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ये बंद कर देते हैं और अपने प्रोजेक्ट को रन करते हैं और देखते हैं कि अभी तक हम लोगों ने कहाँ तक किया था। ठीक है, तो हमने टेक ब्लॉक पे राइट क्लिक किया और सिंपली रन पे क्लिक कर दिया। जैसे आप रन करोगे तो देखिए, अभी मैंने कुछ किया नहीं था, सिंपली मैंने एक हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया था और सिंपली यहाँ पर हम लोगों ने कनेक्शन बनाया था और कनेक्शन की आईडी प्रिंट की थी। आप देखिए यहाँ कनेक्शन का ऑब्जेक्ट डायरेक्ट प्रिंट किया था। अगर आप इंडेक्स पेज ओपन करें तो ये तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इसको मैं हटा दूंगा क्योंकि ये चीज़ मुझे नहीं चाहिए। और जैसे ही आप हटा के इसको रिफ्रेश करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ से बूम ब्लैंक। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे और यहाँ से कुछ हम लोग हेल्प लेंगे। तो सब लोग टाइप करेंगे बूटस्ट्रैप 4 और यहाँ पे सबसे पहली वेबसाइट जो ओपन होगी उसको सिंपली आप ओपन कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से कुछ हेल्प लेने वाले हैं। बूटस्ट्रैप हम लोग के पेज में ऑलरेडी लगा हुआ है, तो हम लोग को सबसे पहले अपने पेज बनाना नैब बार बनाना है। ये बेसिकली नैब बार होता है। ठीक है, तो हम लोग अपने पेज में नैब बार बनाते हैं। नैब बार बनाने के लिए बूटस्ट्रैप में सर्च बॉक्स में आप सर्च करिए नैब बार। ठीक है, तो नैब बार सिंपली आप क्या करिए, ओपन करिए नैब बार। तो ये बूटस्ट्रैप सिंपली ये डॉक्यूमेंटेशन, ये सारी चीज़ आपको बता रहा है कि नैब बार कैसे यूज़ करना है, हाउ इट वर्क्स, सपोर्ट सारी चीज़ बता रहा है। और अगर आपको ये बता भी रहा है कि अगर आपको ऐसा नैब बार बनाना है तो आप क्या करिए, ये कोड को कॉपी कर लीजिए। तो मैं करूँगा सिंपली क्या करूँगा, इस कोड को आप यहाँ से क्लिक करके कॉपी कर सकते हो या यहाँ से भी आप क्या कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो। तो मैं इस नैब बार को सिंपली कॉपी कर लूँगा और आ जाऊँगा नेटबीन्स में और बॉडी के नीचे पेस्ट कर दूँगा, सिंपली पेस्ट कर दूँगा। तो हमारा नैब बार देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ है ये और यहाँ तक गया है। अगर मैं आके अपना पेज रिफ्रेश कर दूँ, बूम, देखिए नैब बार आ चुका है। और ये जो नैब बार है वो रेस्पॉन्सिव है। अगर आप इसको स्मॉल स्क्रीन पे ओपन करेंगे तो ऐसे ओपन करें होगा, बट होगा क्या, मान लीजिए आपको ये नैब बार सेम टू सेम आपको यहाँ पे एक और पेज पे चाहिए, तो आपको इतना कोड फिर से लिखना पड़ेगा उस पेज पे। तो हम लोग इस कोड को रीयूज़ करने के लिए थोड़ा कुछ काम करते हैं। रीयूज़ करने के लिए देखिए सिंपली मैं क्या करूँगा, नैब बार को मैं यहाँ से कट कर लूँगा क्योंकि यहाँ मैं नहीं रखूँगा। अगर यहाँ नैब बार रखूँगा तो आपको, जैसे मान लीजिए आप अबाउट पेज बनाओगे तो उसमें भी इतना ही कोड कॉपी करोगे, कुछ चेंजेस करना होगा तो हर पेज में जा के चेंजेस करना होगा। तो सिंपली मैं अपने प्रोजेक्ट पे आऊँगा और यहाँ पे एक मैं क्या करूँगा, मैं एक और पेज बना लूँगा जेएसपी। तो वेब पेजेस पर राइट क्लिक करूँगा, न्यू पे जाऊँगा, सिंपली यहाँ पे एक जेएसपी पेज बना लूँगा और नाम दे दूँगा इसका नॉर्मल_नैब बार और एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे पेज बन गया और इसका कंटेंट मैं सब हटा दूंगा और अपना नैब बार बेसिकली मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ये रहा हमारा नैब बार। अभी ये अगर आप इसको ओपन करेंगे तो देखिए कुछ नहीं होगा, सिंपली। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सेव कर देते हैं और इसको भी सेव कर देते हैं। और हम लोग क्या करेंगे, इस नॉर्मल नैब बार के सारे कंटेंट को हम लोग यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। तो इंक्लूड करने के लिए मैं यूज़ करूँगा इंक्लूड डायरेक्टिव। ठीक है, तो आप सिंपली लगाओगे यहाँ पे कमेंट लगा दो नैब बार और नैब बार के नीचे आ जाइए और यहाँ पे आप इंक्लूड डायरेक्टिव लिखिए @include और यहाँ पे फाइल में लिख दीजिए अपना normal_nav_bar.jsp। जैसे आप रिफ्रेश करोगे बूम आपका नैब बार आ जाएगा। अब आप कितने पेज भी बनाओ बट आपको इतना ही कोड लिखना पड़ेगा इस नैब बार को बार बार क्या करने के लिए, लगाने के लिए। कोई चेंजेस, जैसे मान लो यहाँ पे मैं नैब बार की जगह लिख देता हूँ टेक स्पेस ब्लॉग, और अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो सिंपली आप देख पाओगे देखिए टेक ब्लॉग।
ठीक है, टेक ब्लॉक। दूसरे होम, यहाँ पे देखिए होम की जगह मैं लर्न कोड विद दुर्गेश लिखना चाहता हूँ, तो मैं नीचे आऊँगा और यहाँ पे देखिए होम की जगह मैं क्या कर दूंगा, लर्न कोड विद दुर्गेश। ठीक है, सिंपली आप क्या करिए, रिफ्रेश करिए, लर्न कोड विद दुर्गेश, ये देखिए सिंपल। लिंक की जगह सपोज आप लिखना चाहते हो यहाँ पे कुछ और, जैसे मान लो यहाँ पे लिखना चाह रहे हो आप कॉन्टैक्ट, ठीक है, तो हम लोग नीचे आ जाएंगे, लिंक की जगह पे आप सिंपली क्या कर दिए कॉन्टैक्ट, तो आप यहाँ पे सिंपली देखिए कॉन्टैक्ट हो जाएगा। ड्रॉप डाउन में जैसे आपको कैटेगरीज लिखनी है, तो जहाँ ड्रॉप डाउन लिखना है वहाँ कैटेगरीज लिख दीजिए और रिफ्रेश कर दीजिए, तो देखिए सिंपली कैटेगरीज लिख गई यहाँ पे। ठीक है, कैटेगरीज में जैसे आप पहली कैटेगरी लिखना है आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, आप क्या करिए रिफ्रेश करिए, आपको दिख जाएगा यहाँ पे कैटेगरीज में सबसे पहला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यहाँ पे लिख देते हैं प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, तो दूसरी कैटेगरी में प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन आ जाएगा। तीसरे में देखते हैं डेटा स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर, सिंपली आपका देखिए तीसरे में कुछ गलत हो गया, डेटा स्ट्रक्चर का ए बंद कर देते हैं और रिफ्रेश करते हैं, देखिए डेटा स्ट्रक्चर आ गया। इसी तरह जो डिसेबल लिंक है यहाँ पे आपको कुछ और रखना है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप रख सकते हो मोर, ठीक है, और यहाँ पे डिसेबल को हटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इनेबल हो जाएगा, देखिए सिंपली परफेक्ट। और ये हमारा रिस्पॉन्सिव भी है, दैट मीन्स हमारा नैबार तो बन गया, बट इसका थोड़ा सा कलर हम लोग चेंज करते हैं, तो कलर चेंज करने के लिए सिंपली आप क्या करेंगे, इस नैबार पे आप CSS लगा सकते हो, या जैसे डार्क आपको करना है तो देखो नैबार लाइट है, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, नैबार डार्क, ठीक है, तो ये क्या करेगा, आपके टेक्स्ट के कलर को वाइट कर देगा, देखिए टेक्स्ट का कलर जो भी था वाइट हो गया, और अगर आप यहाँ पे बीजी लाइट की जगह बीजी डार्क लिख दीजिए तो क्या हो जाएगा कि आपका बैकग्राउंड भी पूरा डार्क हो जाएगा, देखिए परफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे बैकग्राउंड भी क्या हो गया, डार्क हो गया। लेकिन सपोज हम लोग को अपनी अपनी को अपना कोई कलर यहाँ पे लगाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली हम लोग इसको ये चीज हटा देंगे यहाँ से, बीजी बैकग्राउंड बीजी डार्क, और हम लोग यहाँ पे लगाएंगे प्राइमरी डैश बैकग्राउंड, ठीक है, और ये प्राइमरी डैश बैकग्राउंड क्लास हम लोगों ने अभी बनाया नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे और आ जाएंगे अपने CSS में, ठीक है, तो हम प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे और CSS में mystyles.css और यहाँ पे वाली क्लास हम लोग लगाएंगे, ठीक है, क्लास हम लोग क्लास पे स्टाइल लगाएंगे, तो हम लोग देखिए वो क्लास थी वहाँ पे, तो हम लोग ने डॉट लिखा, प्राइमरी बैकग्राउंड लिखा, उस क्लास को यहाँ पे ग्रैब कर लिया, और फिर हम यहाँ पे लगाएंगे बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड में अपना जो भी कलर है, जैसे अगर हम ब्लू लिखना चाहते हैं तो ब्लू लिख देंगे, और आप इसकी प्रेफरेंस को बढ़ा दीजिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख के, तो सिंपली अब अगर आप रिफ्रेश करेंगे तो बस एक सेकेंड, तो हम लोग क्या करते हैं इसको थोड़ा सा ओपन करते हैं इनकॉग्निटो पे, तो कभी कभी कैश मेमोरी की प्रॉब्लम आ जाती है, देखिए ब्लू हो गया, ठीक है, तो कैश मेमोरी की प्रॉब्लम आ जाती है, लेकिन हम लोग को थोड़ा अच्छा कलर यूज़ करना है, तो हम लोग आएंगे यहाँ पे और गूगल पे टाइप करेंगे मटेरियल कलर, मटेरियल कलर, ठीक है, तो मटेरियलाइज CSS ओपन करके, या डायरेक्ट आप यहाँ पे टाइप कर दो मटेरियल कलर, ठीक है, और मटेरियल EY वेबसाइट ओपन कर लीजिए, यहाँ पे देखिए सिंपली आपको बहुत सारे कलर्स मिलेंगे, तो मैं ब्लू वाला ये वाला कलर ले लेता हूँ सिंपली, और आप यहाँ पे आ जाइए और ब्लू की जगह अपना ये वाला कलर यूज़ कर लीजिए, ठीक है, देखिए सिंपली, तो जहाँ भी अब हम लोग को अपना प्राइमरी बैकग्राउंड वाला कलर यूज़ करना होगा, मैं यही क्लास यूज़ करूँगा, कौन सी क्लास पर यूज़ करूँगा, प्राइमरी बैकग्राउंड कलर यूज़ करूँगा, ठीक है। दूसरी चीज़ अब हम लोग क्या करते हैं, सिंपली हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हर एक कैटेगरी के साथ साथ हम लोग लगाते हैं इस आइकन भी, आइकन लगाते हैं, तो आइकन को लगाने के लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, फॉन्ट ऑसम, तो आप गूगल पे जाओगे और यहाँ पे सर्च करोगे फॉन्ट ऑसम आइकन्स, ठीक है, फॉन्ट ऑसम आइकन्स, और एंटर कर देंगे। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे एक W3 स्कूल्स की वेबसाइट ओपन होगी, आप उसको ओपन करेंगे, W3 की वेबसाइट, W3 स्कूल्स की वेबसाइट, ये देखिए यहाँ पे W3schools.com, इस वाली वेबसाइट को आप ओपन कर लेंगे और यहाँ पे सबसे नीचे आएंगे और देखेंगे फॉन्ट ऑसम 4, इसके इंट्रो पे क्लिक कर लेंगे, और जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक लिंक CSS की लिंक मिलेगी, इस CSS की लिंक को सिंपली आप क्या कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए, और हम लोग आके इस CSS को अपने इंडेक्स पेज के CSS में क्या कर देंगे, सिंपली पेस्ट कर देंगे,
अब हम लोग फॉन्ट ऑसम के आइकन्स को यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग को सबसे पहले अपने टेक ब्लॉक के लिए कोई आइकन चाहिए, तो हम लोग आ जाएंगे यहाँ आइकन फॉर वेब एप्लीकेशंस, और हम लोग सिंपली ये वाला आइकन यूज़ कर लेंगे, स्टार वाला। इसको कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे आएंगे और हम लोग आ जाएंगे नैब बार में, और होम के पहले यहाँ पे टैग लगाएंगे स्पैन, और हम लोग यहाँ पे क्लास लगाएंगे और क्लास में वो चीज़ पेस्ट कर देंगे सिंपली। और आके थोड़ा सा रिफ्रेश करेंगे, देखेंगे कि भाई हमारा जो पेज है उसमें आइकन आया है। देखिए आइकन आ गया। उसके बाद लर्न कोड ऑनलाइन के लिए भी, सॉरी, उसके बाद लर्न कोड विद दुर्गेश के लिए भी क्या करते हैं हम लोग आइकन लगा देते हैं। तो आप कोई अच्छा सा आइकन चूज़ कर लीजिए। लेट अस सपोज हम लोग ये वाला आइकन चूज़ कर लेते हैं, कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे आएंगे फिर से, और यहाँ भी हम लोग लिखेंगे स्पैन सिंपली, और हम आएंगे क्लास लिखेंगे, और यहाँ पे हम लोग फिर से आइकन को पेस्ट कर देंगे और रिफ्रेश कर देंगे, तो यहाँ पे भी आइकन आ जाएगा। इस तरह कॉन्टैक्ट अस कैटेगरीज मोर, तो हम क्या करते हैं मोर को हटा के कॉन्टैक्ट अस इधर कर देते हैं सिंपली। तो हम लोग आते हैं मोर वाला हटा देते हैं, ज़्यादा मुझे ऑप्शंस नहीं देने हैं, और कॉन्टैक्ट अस कॉन्टैक्ट को हम लोग नीचे कर देते हैं मोर के बाद सिंपली, और हम लोग थोड़ा फॉर्मेट कर देते हैं और अपने पेज को फिर से क्या करते हैं रिफ्रेश कर दें। तो कैटेगरीज के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक आइकन ले लेते हैं, तो यहाँ से आएंगे और कैटेगरीज सिंपली कौन सा आइकन ले ले भाई, आपको जो पसंद है वो ले लीजिए। तो मैं ले ले रहा हूँ ये आइकन क्विक चेक स्क्वायर, ठीक है। आप आइए और यहाँ पे ड्रॉप डाउन जहाँ लिखा हुआ है कैटेगरीज, यहाँ पे आप लगाइए स्पैन और लगा दीजिए क्लास, और सिंपली जो आपने कॉपी किया उसे कर दीजिए पेस्ट। आ जाइए रिफ्रेश कर दिए, देखिए यहाँ पे कैटेगरीज में भी आपका आइकन आ गया। फिर कॉन्टैक्ट अस का भी एक हम आइकन लगा देते हैं सिंपली आके कॉन्टैक्ट अस, तो कॉन्टैक्ट अस में कोई आइकन आप यूज़र यूज़र का ले लीजिए, ठीक है। तो ये वाला आइकन लेते हैं एड्रेस बुक का, या फिर ये वाला आइकन ले लेते हैं, आप अपनी मर्जी से जो भी आपको बेस्ट लगे वो ले लीजिएगा। तो हम लोग कॉन्टैक्ट अस ये रहा, यहाँ पे भी आके हम लोग लगाएंगे स्पैन, और स्पैन के अंदर लगाएंगे क्लास, और क्लास में हम सिंपली पेस्ट कर देंगे अपना आइकन, रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए परफेक्ट। तो अभी तक हमारी डिज़ाइनिंग परफेक्ट हो गई, और बटन को थोड़ा हम लोग सही कर लेते हैं। इधर वाली जो बटन है, तो नीचे आते हैं बटन, ये वाली बटन है, तो इसमें हम लोग आउटलाइन सक्सेस की जगह आउटलाइन लाइट लिख देंगे, तो इसका जो बॉर्डर होगा वो हल्का वाइट कलर का हो जाएगा, परफेक्ट, ठीक है, परफेक्ट। अब हम लोग बनाते हैं अपना कंटेनर, ये वाला सेक्शन जहाँ पे हम लोग बैनर लगा पाएंगे, लिख पाएंगे। तो कंटेनर बनाने के लिए सिंपली आ जाइए यहाँ पे इंडेक्स पेज में और अपने नैब बार के नीचे, तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे बैनर, ठीक है, बैनर बनाने जा रहे हैं। बैनर बनाने के लिए सिंपली आप लगाएंगे एक डिव जिसकी क्लास होगी कंटेनर फ्लूड, कंटेनर फ्लूड। तो बूटस्ट्रैप में अगर आपको कुछ भी करना है तो आपको कंटेनर फ्लूड या कंटेनर टैग के अंदर रखना होता है, कंटेनर क्लास के अंदर रखना होता है। तो कंटेनर क्या करता है, ये थोड़ा सा इधर की डिस्टेंस और इधर की डिस्टेंस छोड़ के रखता है, बट कंटेनर फ्लूड आपकी पूरी डिस्टेंस ले लेगा, फुल विड्थ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मैं लगाता हूँ यहाँ पे सिंपली डिफ जिसकी क्लास होगी जंबोट्रॉन। अभी आपको पता चल जाएगा जंबोट्रॉन है क्या। तो जंबोट्रॉन के अंदर मैं एक लगाता हूँ H3, और H3 में लिख देता हूँ टेक्निकल वेलकम फ्रेंड्स, और एक मैं H3 ऑल लगाता हूँ और लिख देता हूँ टेक ब्लॉक, और फिर यहाँ पे एक P लगाता हूँ और पैराग्राफ में लिख सक देता हूँ वेलकम टू टेक्निकल ब्लॉक कॉमा वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक, सिंपल। अब आप आइए और यहाँ पे रिफ्रेश करिए, आपको दिखेगा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर। तो परफेक्ट है स्ट्रक्चर, अभी तक परफेक्ट स्ट्रक्चर दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आते हैं और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जंबोट्रॉन के अंदर भी एक लगाते हैं कंटेनर, तो हम लगाएंगे डिव क्लास कंटेनर, कंटेनर, और हम लोग इस कंटेनर को बंद करेंगे इसके नीचे। तो जैसे ही आप कंटेनर लगाओगे आपका ये सारा जो कंटेंट होगा वो हल्का सा अंदर आ जाएगा, देखिएगा परफेक्ट बीच में आ गया। और हम लोग को क्या करना है, इधर की ये जो मार्जिन है लेफ्ट मार्जिन, इसको थोड़ा सा हटा देना है, और इधर की लेफ्ट मार्जिन, इस राइट वाली भी लेफ्ट मार्जिन हमको थोड़ा सा सही कर देना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं और हम लोग अपने कंटेनर में क्या करेंगे, ML- या MP0 कर देते हैं, सॉरी P0 कर देते हैं और MB0 कर देते हैं, और रिफ्रेश कर देते हैं।
तो देखिए परफेक्ट, आपका कंटेनर एकदम सही जगह पे लग गया। अब क्या करिए, यहाँ पे आइए और इसमें भी एक क्लास लगाइए, क्लास क्लास में लगाइए डिस्प्ले डैश थ्री। अगर आप डिस्प्ले डैश थ्री लगा दोगे तो ये परफेक्ट वेलकम फ्रेंड्स आ जाएगा। या आप क्या करिए, इस हटा दीजिए इसको और यहाँ पे थोड़ा सा हेडिंग चेंज करिए, वेलकम टू टेक ब्लॉग, वेलकम टू टेक ब्लॉग। परफेक्ट, वेलकम टू टेक ब्लॉग। और आपने आपका यहाँ पे सबटाइटल आ गया, तो सबटाइटल में कुछ कंटेंट बढ़ाने के लिए मैं आता हूँ गूगल पे और यहाँ पे टाइप करता हूँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विकिपीडिया, विकिपीडिया। और विकिपीडिया से कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में कंटेंट को हम लोग क्या करते हैं, सिंपली उठा के और वहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो ये वाली लाइन ले लेते हैं और हम लोग अपने पैराग्राफ में सिंपली क्या करेंगे, ये लाइन पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये लाइन पेस्ट हो जाएगी। और आइए, अगर आप अपने वेबसाइट को रिफ्रेश करिए तो यहाँ पे देखिए कंटेंट दिख गया। और भी थोड़ा कंटेंट अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो आप जब आप एक्चुअल में वेबसाइट बनाओगे तो आप क्या करोगे, ये सारी चीज़ें आप अच्छे से लिखोगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस पी के अंदर भी अपना दूसरा पैराग्राफ पेस्ट कर देते हैं और आके इसको सिंपली रिफ्रेश करते हैं। हो गया। अब यहाँ पे दो बटन बनाते हैं, तो दो बटन बनाना बहुत ईजी है। आइए सिंपली और यहाँ पे पी के नीचे आप बटन बनाइए, बटन बटन में लिखिए स्टार्ट इट्स फ्री, इट्स फ्री। और यहाँ पे सिंपली आप लगाइए क्लास, और क्लास में आप क्या करिए, लगा दीजिए BTN, या आप लगाइए प्राइमरी बैकग्राउंड, अपना प्राइमरी बैकग्राउंड, या अभी रुक जाइए, प्राइमरी बैकग्राउंड में लगाइए, यहाँ पे लगाइए BTN आउटलाइन लाइट। ठीक है, अगर आप रिफ्रेश करोगे तो कुछ ये बटन ऐसी बनेगी, लाइट पक्का एकदम परफेक्ट है। अब हम इसका बैकग्राउंड क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं हल्का। तो आते हैं ऊपर और जंबोट्रॉन इसका बैकग्राउंड क्या कर देते हैं, हम लोग बैकग्राउंड प्राइमरी लगा देते हैं, बैकग्राउंड या प्राइमरी डैश बैकग्राउंड, रिफ्रेश कर देते परफेक्ट। और इसका टेक्स्ट भी वाइट कर देते हैं, तो हम लोग टेक्स्ट वाइट करने के लिए लिखेंगे टेक्स्ट डैश वाइट सिंपली। देखिए टेक्स्ट वाइट हो गया और परफेक्ट डिजाइनिंग हो रही है, ये भी चीज़ परफेक्ट लग रही है। बटन को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, बटन को बड़ा करने के लिए बूटस्ट्रैप के पास क्लास है, आप लिखिए BTN-LG, मीन्स लार्ज बटन हो जाएगी ये सिंपली। देखिए बटन लार्ज हो गई, इसके बगल में एक और बटन बना देते हैं लॉगिन की। तो सिंपली आप इस पर कर्सर लाइए कंट्रोल शिफ्ट डाउन की और यहाँ पे आप क्या कर दीजिए लॉगिन, क्या कर दिए यहाँ पे लॉगिन, और आप क्या कर दिए रिफ्रेश कर दिए। परफेक्ट, दोनों बटन बन गई परफेक्ट और सारी चीज़ें एकदम परफेक्ट हैं। अब हमें करना क्या है, हमें यहाँ पे आइकन लगाने हैं इसके पास, दोनों के पास। तो आइकन सिंपली आ जाइए, बटन यहाँ पे लगाइए और यहाँ पे लगाइए। यहाँ पे आइकन लगाने के लिए आप लिखेंगे स्पैन, और स्पैन के अंदर आ जाएंगे क्लास, और क्लास में आपको आइकन का नाम लिखना है। तो आइकन का नाम तो वही है यहाँ पे, तो ये था साइन अप का। तो कुछ यूज़र से रिलेटेड ले लेंगे, या ये ले लेते हैं एक्सटर्नल लिंक। आप क्या करिए, अच्छे से यहाँ पे चूज़ करके लिख दीजिएगा। परफेक्ट, स्टार्ट फ्री आ गया। लॉगिन के लिए भी हम लोग लगा लेते हैं भाई, लॉगिन के लिए भी हम लोग एक आइकन ले लेते हैं, कोई लॉगिन। नीचे आके आप कोई अच्छा सा आइकन चूज कर लीजिए। तो लॉगिन के लिए मैं क्या करता हूँ, ये यूज़ कर लेता हूँ, या ये यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आइए सिंपली, यहाँ भी स्पैन लगाइए डैश, और यहाँ लग दीजिए क्लास, और क्लास के अंदर अपना सर्किल वाला कॉपी कर दीजिए। ठीक है, और यूज़र के लिए साइन अप के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं साइन अप के लिए ये वाला यूज़ कर लेता हूँ। आइए और एक्सटर्नल लिंक को हटा के ये वाला यूज़ कर लीजिए और रिफ्रेश करिए। परफेक्ट, और थोड़ा सा मैं इसको 360 डिग्री इनफाइनाइट रोटेशन कराना चाह रहा हूँ इस वाले को। तो यहाँ पे आइए और एक और क्लास लगा दीजिए FA Spin। ठीक है, रिफ्रेश करिए, अगर आप रिफ्रेश कर दोगे तो देखिए ये स्पिन करने लगेगा। परफेक्ट, एकदम क्लासिक डिज़ाइन है, कोई चमक धमक नहीं। जितना भी आप चमक धमक बनाओगे उतनी आपकी वेबसाइट अच्छी नहीं दिखेगी। ठीक है, तो आपको एकदम नॉर्मल वेबसाइट बनाना था। आप क्या करते हैं, हम लोग को यहाँ पे लगाने हैं छः कार्ड्स। तो सिंपली आप आइए बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे, तो बूटस्ट्रैप की वेबसाइट मैंने शायद हटा दी थी, तो बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे आइए और सर्च करिए कार्ड्स, बूटस्ट्रैप कार्ड्स। यहाँ सर्च बॉक्स में जाइए, सर्च करिए कार्ड्स, और हम लोग ये कार्ड कॉपी कर लेंगे सिंपली। इस कार्ड को कॉपी करेंगे और ये हमारा जंबोट्रॉन था, बैनर था, इसके नीचे आ जाएंगे और हम लगाएंगे BR, हल्का सा
इसके नीचे आ जाएंगे जंबोट्रॉन के, और यहाँ पे हम लोग बनाएंगे डिव क्लास, या आप क्या करिए कंटेनर के भी बाहर आ जाइए, ठीक है, कंटेनर के भी बाहर आ जाइए, ठीक है, कंटेनर के भी बाहर आ जाइए यहाँ पे। और कंटेनर के बाहर आने के बाद सिंपली आप यहाँ पे लगा दीजिएगा कार्ड्स, और कार्ड्स के अंदर आप डिव यूज़ कर, कार्ड्स के बाद आप डिव यूज़ करोगे, और क्लास इस बार आप कंटेनर यूज़ करोगे। कंटेनर मतलब कि आप सिर्फ 70% विड्थ लेना चाह रहे हो, इधर की 15% छोड़ना चाहते हो, इधर की 15% छोड़ना चाहते हो, तो ये उसे छोड़ देगा। नीचे आते हैं और यहाँ पे लगाते हैं एक रो, तो हम क्या करते हैं यहाँ लिखेंगे डिव क्लास रो, और रो में हमें यूज़ करने हैं, एक रो में 12 ग्रिड होते हैं, 12, ठीक है, एक रो में 12 ग्रिड होते हैं, तो मुझे यूज़ करने हैं चार 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 के तीन कॉलम। तो सिंपली आप देखिए डिव लिखिए यहाँ पे, डिव क्लास कॉल MD4, तो ये पहला कॉलम है चार ले लेगा, ठीक है, और अपना कार्ड में यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा सिंपली, और कार्ड से इमेज को हटा दूंगा क्योंकि मुझे इमेज नहीं चाहिए, और विड्थ को भी हटा दूंगा सिंपली। आप आइए रिफ्रेश करें, देखिए एक कार्ड आपका रेडी हो गया होगा, ये परफेक्ट एक कार्ड रेडी हो गया। इसका भी हम क्या करते हैं यहाँ पे कुछ लिख देते हैं, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, जावा प्रोग्रामिंग। अभी होगा क्या कि जब हम लोग इस वैल्यू को डायनेमिक लाएंगे तो क्या होगा कि ये सब डेटाबेस से आएगा, अभी सिर्फ सिंपल फ्रंट एंड की चीज़ है, तो इसीलिए मैं स्टैटिक लिख दे रहा हूँ। और बटन में क्या होगा, ये बटन में हम लोग यूज़ करेंगे प्राइमरी बैकग्राउंड और टेक्स्ट वाइट, ठीक है, टेक्स्ट वाइट सिंपली, और हम लोग क्या करेंगे रिफ्रेश कर देंगे, प्राइमरी बैकग्राउंड हो गया, और यहाँ पे लिख देते हैं रीड मोर, रीड मोर सिंपली। देखिए एक कार्ड बन गया, इसी तरह हमें 6 कार्ड्स बनाने हैं, तो मैं क्या करूँगा इस कॉलम को 3 बार डुप्लीकेट कर दूंगा, तो 1 2, ठीक है, एक बार पहले से था, रिफ्रेश करिए, देखिए 3 कार्ड्स बन गए, और अपने रो को एक बार डुप्लीकेट कर दूंगा, तो ये रो है, दैट मीन्स हमें एक रो और बनानी है, तो पूरे रो को कॉपी करेंगे और नीचे आके पेस्ट कर देंगे सिंपली। देखिए 2 रो बन गई आपके पास, एक रो ये है और एक रो ऊपर है, ये है और एक रो ऊपर वाली रो, परफेक्ट। आप अगर मार्जिन बॉटम देना चाह रहे हैं तो मार्जिन बॉटम दे सकते हो सिंपली, रिफ्रेश कर दिए हल्का सा मार्जिन बॉटम, तो आपका होम पेज तो परफेक्ट बन गया है। और आप क्या करिए इसको अगर छोटा करेंगे तो देखिएगा होम पेज एकदम परफेक्ट बना है, मोबाइल स्क्रीन पे ये होम पेज कुछ ऐसा दिखेगा, तो परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं होम पेज। बस हमें करना क्या है कि हमें यहाँ पे थोड़ा सा zigzag मोशन यूज़ करना है, zigzag टाइप की डिज़ाइनिंग यूज़ करनी है। उसके लिए हम लोग गूगल पे आएंगे और गूगल पे टाइप करेंगे क्लिप पाथ, क्लिप पाथ, और क्लिप पाथ जैसे ही आप सर्च करोगे तो सबसे नीचे आ जाओगे, और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा, ये बेनेट फ्रीली, ये क्लिपी क्लिपी क्लिपी, इसको आप ओपन कर लो, क्लिप पाथ मेकर है बेसिकली ये। और ओपन करने के बाद आप यहाँ से चूज कर लोगे, यहाँ से आप क्या कर सकते हो बना सकते हो क्लिप पाथ। तो मैं क्या करूँगा, मैं चूज कर लूंगा इधर से ये चूज कर लूंगा, या आप चूज कर सकते हो ऑक्टागन, ऑक्टागन से काम हो जाएगा आपका, और इसको ऐसे सीधे कर देना, और 4 को अच्छे से डिज़ाइन कर लेना जैसा भी आप चाहते हो, ये कि नीचे कैसा सेव आपको चाहिए, ऐसा चाहिए कि ऐसा चाहिए भाई, जैसा भी आपको चाहिए आप यहाँ से अच्छे से डिज़ाइन कर लीजिएगा। और जब आपका डिज़ाइनिंग कंप्लीट हो जाए तो आप इस CSS को नीचे देखिए, CSS है, इसको CSS को कॉपी कर लीजिएगा और आ जाइएगा यहाँ पे, और अपने हेड सेक्शन में चलेगा क्योंकि ये डिज़ाइनिंग में सिर्फ इसी पेज पे रखना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे लगाऊंगा स्टाइल, और स्टाइल के अंदर यहाँ पे यूज़ करूँगा एक क्लास ऐसे बना लूँगा कि बैनर बैकग्राउंड, बैकग्राउंड, और मैं यहाँ पे लिखूँगा बैकग्राउंड कोलन, और अपना वो क्लिप पाथ यूज़ करूँगा सिंपली, ठीक है। अब मैं ठीक है, तो यहाँ पे हल्का सा गलत हो गया था, आपको लिखना है क्लिप पाथ, बैकग्राउंड नहीं लिखना था। और आप क्या करोगे रिफ्रेश करोगे तो सिंपली आप देखोगे कि आपका देखिए ये हल्का सा यहाँ से बन गया क्लिप पाथ। तो आपका क्लिप पाथ ढंग से नहीं बना, तो इस क्लिप पाथ को थोड़ा सा और हम लोग चेंज कर देते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। आप इस फिर से क्लिप पाथ को कॉपी करते हैं और हम लोग क्या करेंगे इस क्लिप पाथ को रिप्लेस कर देंगे सिंपली, और आके इसको क्या करेंगे रिफ्रेश कर देंगे, तो ये कुछ ज़्यादा ही हो गया, थोड़ा सा हल्का सा और इसको एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे, तो इसको नीचे लाने की कोशिश करेंगे और इसको भी हल्का सा नीचे लाने की कोशिश करेंगे, और फिर से इसको कॉपी करेंगे। जब तक आपका अच्छे से ना हो जाए तब तक आप क्या करोगे इसको अच्छे से डिज़ाइन करने की कोशिश करोगे।
अभी मेरा परफेक्ट लग रहा है और मैं क्या कर सकता हूँ, एकदम डिज़ाइनिंग कूल हो गई है। तो ये हमारा होम पेज है जो कि बन के रेडी हो गया। आप क्या कर सकते हो, ऐसे ही करके नीचे आप जितनी भी रिक्वायरमेंट हो लगा सकते हो। मैं क्या करूँगा, जितने भी पोस्ट आएंगे लेटेस्ट अपडेट वो यहाँ पे मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अब हम बनाते हैं लॉगिन पेज, अपना लॉगिन पेज बनाएंगे। वीडियो ऑलरेडी लंबी हो रही है तो हम बनाएंगे लॉगिन पेज। तो सिंपली आप क्या करिए, प्रोजेक्ट पे चलिए और वेब पेजेस पे राइट क्लिक करिए और न्यू पे चलिए जेएसपी, और जेएसपी पे नाम दीजिए लॉगिन डैश पेज। ठीक है, लॉगिन पेज, ये हमारा लॉगिन पेज बन गया। और मैं क्या करता हूँ, इसके टाइटल को बदल देता हूँ लॉगिन पेज। और यहाँ पे हमें करनी सारी डिज़ाइनिंग, बट सबसे पहले मैं बूटस्ट्रैप ले आता हूँ, जेक्वेरी ले आता हूँ या जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरीज ले आता हूँ। तो बूटस्ट्रैप देखिए, सारी सीएसएस मैं सिंपली यहाँ से कॉपी कर लूँगा और उठा के रख दूँगा अपने लॉगिन पेज में, और स्क्रिप्ट भी सारी कॉपी कर लूँगा नीचे से। स्क्रिप्ट्स देखिए कहाँ गई, स्क्रिप्ट्स भाई इंडेक्स पेज की सारी स्क्रिप्ट्स आप कॉपी करके उठा के रख दीजिए कहाँ पे, सिंपली बॉडी टैग के नीचे। परफेक्ट, ठीक है। अब हमें क्या करना है, लॉगिन पेज का लिंक इस लॉगिन बटन पे देना है। तो सिंपली आप नैव बार नहीं, आप इंडेक्स पेज पे आ जाओ और लॉगिन बटन कहाँ पे बनाइए ये चीज़ आप देख लो। तो लॉगिन बटन हम लोगों ने बनाई थी, ये रही लॉगिन बटन हमारी, यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे। सबसे पहले देखेंगे ध्यान से, तो मैं क्या करूँगा, इस बटन को ए टैग में चेंज कर दूँगा और इस टैग को भी क्या कर दूँगा, ए कर दूँगा। और मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे href, और href में दे दूँगा लॉगिन पेज का url। सिंपली रिफ्रेश करेंगे, जैसे आप लॉगिन बटन पे क्लिक करोगे लॉगिन पेज आपका ओपन हो जाएगा। लेकिन अभी मैंने कुछ डिज़ाइनिंग ही नहीं की, तो हम लोग चलते हैं डिज़ाइन करने का ट्राई करते हैं लॉगिन पेज पे। तो यहाँ पे तो इस पेज को पहले हटा दीजिए और यहाँ पे यूज़ करिए टैग मेन। ठीक है, डायरेक्ट लॉगिन पेज बनाइए और लॉगिन पेज में सिंपली यूज़ करिए क्लास कंटेनर, और कंटेनर के अंदर सिंपली आप बनाइए सिंपल रो, और रो के अंदर एक ही आप बनाइए कॉलम। तो डेव कॉलम, जो कॉलम होगा हमारा कॉलम ले रहा होगा मीडियम स्क्रीन एंड अपर स्क्रीन के ऊपर 4, और इस 4 को मैं इस तरफ को शिफ्ट करने जा रहा हूँ 4 ग्रिड्स। तो आप लिखोगे ऑफसेट MD4 सिंपली, और इसके अंदर हमें बनाना है अपना फॉर्म। ठीक है, क्या बनाना है, अपना फॉर्म बनाना है। तो इसके अंदर सबसे पहले मैं बनाऊंगा कार्ड, तो लिखूंगा डेव क्लास कार्ड, और कार्ड के होते हैं 3 सेक्शन, सबसे पहला हेडर बॉडी फुटर। तो आप लिखिए यहाँ पे डिव क्लास हेडर कार्ड हेडर, और कार्ड हेडर के बाद आप सिंपली लिखिए डिव क्लास कार्ड बॉडी। परफेक्ट, ठीक है। कार्ड हेडर में आप यहाँ पे कुछ मैसेज दे दीजिए, मैंने कहा लॉग इन हेयर, और अगर आप रिफ्रेश करते हो देख पाओगे लॉग इन हेयर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, बॉडी में अपना फॉर्म बनाओगे। तो फॉर्म बनाने के लिए आप आ जाओगे बूटस्ट्रैप पे और यहाँ पे सर्च करोगे फॉर्म, और फॉर्म ये देखिए इसने बेसिक ईमेल आईडी पासवर्ड का टेम्पलेट दे दिया। इस टेम्पलेट को सिंपली आप कॉपी कर लीजिए और कॉपी करने के बाद बॉडी सेक्शन में पेस्ट कर दीजिए। तो ये बेसिकली आपका फॉर्म है जिसके अंदर ये इनपुट है, ये इनपुट है और ये चेकबॉक्स वाला इनपुट है। अगर आप अपने पेज को रिफ्रेश करते हो तो देखते हो ये फॉर्म बन के रेडी हो गया। परफेक्ट, आपको कुछ करना भी नहीं है, बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहे हो, सिंपल डिज़ाइन करना है। और वैसे भी हम लोग जावा सीख रहे हैं तो बूटस्ट्रैप के बारे में ज़्यादा सीखना भी नहीं है, आपका परफेक्ट डिज़ाइनिंग है। अब हम लोग को क्या करते हैं, इस पूरे फॉर्म को सेंटर पर करने ट्राई करते हैं। तो सेंटर पर करने के लिए मैं क्या करूँगा, मेन पर कुछ क्लासेस लगाऊंगा। आप सिंपली यूज़ करिएगा क्लास डी फ्लैक्स, ठीक है, क्या डी फ्लैक्स, और यहां पे यूज करेगा अलाइन आइटम्स सेंटर। आप आके इसको रिफ्रेश करिएगा, सेंटर पे नहीं होगा, इसकी थोड़ा सा हाइट दे दीजिए। तो हमने कहा स्टाइल, और स्टाइल में हम लिखेंगे हाइट, और हाइट लिख देंगे 100 VH। अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूं तो देखिए ये एकदम परफेक्ट सेंटर पे हो गया, जितना इधर है उतना इधर है। ठीक है, तो सेंटर पे हो गया। तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसकी हाइट थोड़ा सा कम करता हूँ क्योंकि मुझे एग्जैक्ट सेंटर में नहीं चाहिए, मुझे हल्का फॉर्म ऊपर चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, इसकी हाइट देता हूँ 80 VH। ठीक है, और अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए आपका फॉर्म हल्का सा ऊपर हो गया। अगर और हल्का सा ऊपर करना है तो इसकी जो हाइट है वो दे दीजिए 70। अगर आप रिफ्रेश करिए तो आपका फॉर्म देखिए हल्का सा ऊपर हो गया। परफेक्ट, तो आपका फॉर्म एकदम रेडी है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लगाते हैं नैब बार। तो नैब बार लगाने के लिए सिंपली आप क्या करिए, इंक्लूड डायरेक्टिव यूज़ करिए। तो हम लिखेंगे नैब बार, और नैब बार में हम लोग
यहाँ पे पहले कमेंट लगा के लिख देंगे नैब बार, और नैब बार के बाद हम लोग इंक्लूड डायरेक्टिव की हेल्प से उसको इंप्लीमेंट इंक्लूड कर लेंगे। तो लिखेंगे परसेंटेज एट द रेट इंक्लूड, और फाइल में लिख देंगे हम लोग नैब बार, नॉर्मल नैब बार। और अगर हम रिफ्रेश करते हैं तो सिंपली देखेंगे कि वही वाला नैब बार जो हमारा वहाँ पे था वही वाला यहाँ पे भी आ गया। परफेक्ट। अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा मैं यहाँ से यहाँ तक का बैकग्राउंड भी बदलता हूँ। तो सिंपली मैं मेन पे आऊँगा और यहाँ पे अप्लाई कर लूँगा प्राइमरी बैकग्राउंड और टेक्स्ट सिंपली वाइट, टेक्स्ट वाइट। और अगर इसको रिफ्रेश करते हो तो सिंपली देख पाओगे बैकग्राउंड हमारा बदल हो गया, टेक्स्ट वाइट हो गया। तो टेक्स्ट वाइट को हटा दीजिए, टेक्स्ट वाइट को हटा दीजिए आप, और रिफ्रेश करिए। ठीक है, इसको सेव करके फिर रिफ्रेश कर दें। ठीक है, परफेक्ट है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका भी बैकग्राउंड हल्का सा चेंज करने की कोशिश करते हैं इसका बैकग्राउंड। तो हेडर पे आ जाइए, हेडर 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 कहाँ गया भाई, हेडर, ये रहा हमारा हेडर। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, प्राइमरी बैकग्राउंड यूज़ करने की कोशिश करते हैं और टेक्स्ट वाइट यूज़ करने की कोशिश करते हैं, टेक्स्ट वाइट। ठीक है, और रिफ्रेश करते हैं तो अब प्राइस का भी बैकग्राउंड देखिए चेंज हो गया। अब इस पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लगाने जा रहा हूँ आइकन, तो मैं लिखूँगा स्पैन, और स्पैन के बाद यहाँ पे क्लास, क्लास में फा फा यूज़र ऐड या यूज़र प्लस वाला आइकन लगा देता हूँ। देखिएगा आइकन लग गया। इस आइकन को थोड़ा बड़ा करने के लिए आप लिखिए फा 3x, FA3x, देखते हैं थोड़ा सा बड़ा हो गया, परफेक्ट। अब इसको सेंटर पर करने के लिए आप इसके पेरेंट हेडर पे लगा दिए टेक्स्ट सेंटर, तो हम लिखेंगे टेक्स्ट सेंटर, और हम रिफ्रेश करेंगे ये एकदम सेंटर पे आ जाएगा। और हल्का सा इसके नीचे एक लगा दिए BR, तो ये हल्का नीचे आ जाएगा। ठीक है, परफेक्ट है। तो आपका लॉगिन सिस्टम बन गया। इसमें भी zigzag मोशन करने के लिए आप ये यहाँ पे zigzag करने के लिए आप सिंपली देखिए आपके पास ये बैकग्राउंड बैनर बैकग्राउंड है, आप सिंपली यहाँ पे अपने मेन में लगा दिए बैनर बैकग्राउंड, बैनर बैकग्राउंड, और आप रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे देखोगे आपका बैनर देखिए zigzag हो गया हल्का, तो परफेक्ट लग रहा है। नेविगेशन के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे टेक ब्लॉक पे क्लिक करने पे होम पेज कर देता हूँ। तो आप नॉर्मल नैब बार में आइए और टेक ब्लॉक पे क्लिक करने पे आप भेज दीजिए इंडेक्स पेज पे। तो आप अगर टेक ब्लॉक पे क्लिक करते हो तो इंडेक्स पेज पे जाओगे, लॉगिन पेज पे यहाँ से आ जाओ। तो मैं क्या करता हूँ, इस कॉन्टेक्ट के बगल में भी लॉगिन देने जा रहा हूँ, लॉगिन देने जा रहा हूँ। तो आप क्या करें, सिंपली नैब बार में आ जाइए, कॉन्टेक्ट के बगल में इसको डुप्लीकेट बना लीजिए, और यहाँ पर आप लिख दीजिए लॉगिन, लॉगिन, और सिंपली लॉगिन हो गया। तो लॉगिन का आइकन भी लाना होगा, तो लॉगिन का आइकन भाई कहाँ पे, ये रहा लॉगिन का आइकन। तो इस लॉगिन के आइकन को कॉपी कर लीजिए और सिंपली आ जाइए अपने नैब बार में जहाँ पे आप लॉगिन लिख रहे थे, इस वाले आइकन को हटा के दूसरा आइकन लगा दीजिए, इसको रिफ्रेश कर दीजिए। आप देख पाओगे लॉगिन यहाँ भी चल रहा है और लॉगिन हमारा यहाँ भी चल रहा है। तो ये स्पिन मैं हटाने जा रहा हूँ, स्पिन हटा दूंगा, आपका काम हो जाएगा, परफेक्ट। आप यहां से भी जा सकते हो, लॉगिन कर सकते हो, और यहां से भी लॉगिन पेज पे जा सकते हो। तो लॉगिन का लिंक भी हम लोग सही कर देते हैं, तो लिंक में मैं लिख देता हूँ एचरफ के अंदर लॉगिन पेज। ठीक है, सिंपली रिफ्रेश करता हूँ, यहां से भी लॉगिन पे जा सकते हो, यहां से भी लॉगिन पे जा सकते हो, यहां से भी लॉगिन पेज पे जा सकते हो। इसके अंदर ये फील्ड्स कैसे काम कर रहे हैं, सारा काम हम लोग समझेंगे जब हम लोग लॉगिन मॉड्यूल करेंगे कंप्लीट। इस पर भी क्लिक करें, इस पर जा सकते हो, परफेक्ट। सबमिट वगैरह सब हम लोग सीखेंगे कैसे करना है। अभी फिलहाल हम लोग डिज़ाइनिंग करते हैं, तो वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबी हो गई। तो हम लोग क्या करते हैं, रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल को नेक्स्ट वीडियो में करने का ट्राई करते हैं। अभी आप लोग इतना डिज़ाइन करें, और ये पेज जो है हमारा रेस्पॉन्सिव है, परफेक्टली काम करेगा। मैं देखिए यहाँ पे आपका फ़ोन स्क्रीन पे कोई ऐसा देखेगा पेज को, मोबाइल की स्क्रीन पे ये पेज ऐसे ओपन होगा और लॉगिन करने को जाएगा तो ये लॉगिन ऐसे होगा, परफेक्ट। ठीक है, एकदम मॉडर्न मॉडर्न वेबसाइट्स की तरह हमारी वेबसाइट बनी। और आप क्या कर सकते हो, विद इन सिंगल क्लिक चेंज कर सकते हो इसका बैकग्राउंड। जैसे आपको बैकग्राउंड ग्रीन करना है या बैकग्राउंड पर्पल टाइप का करना है ये, तो इसको कॉपी करिए और अपने CSS में चले जाइए वापस, और देखिए जहाँ पे आपने बैकग्राउंड लिखा था इस बैकग्राउंड को बस बदल दीजिए और इसको रिफ्रेश कर दीजिए पेज को। ठीक है, तो बस एक सेकेंड मैं क्या करता हूँ, इसको बंद करके फिर से ओपन करता हूँ, क्योंकि कैश मेमोरी में कभी कभी डेटा क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है आपका। ठीक है, तो आप क्या करिए, अपनी वेबसाइट का लिंक कॉपी करिए और इसको पेस्ट कर दीजिए। देखिए परफेक्ट, एक क्लिक में आपकी पूरी वेबसाइट क्या हो गई, बदल गई। तो फ्रेंड्स, हमारा लॉगिन पेज यहाँ पे कंप्लीट है। आप पेज को यहाँ पे वॉच कर सकते हो,
देख सकते हो। अब हम लोग बनाते हैं रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल, रजिस्ट्रेशन पेज, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली हम अपने प्रोजेक्ट पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, वेब पेजेस पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे और जेएसपी पे क्लिक करेंगे और सिंपली फाइल नेम में हम लोग दे देंगे रजिस्टर, रजिस्टर अंडरस्कोर पेज सिंपली। तो यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन पेज बन जाएगा और इस पेज में सिंपली हम देखिए जेएसपी पेज, ये टाइटल है तो टाइटल में मैं यहाँ लिखूंगा रजिस्टर पेज और सिंपली यहाँ पे ले आऊँगा बूटस्ट्रैप की सीएसएस और यहाँ पे ले आऊँगा जावास्क्रिप्ट। कहाँ से लाऊंगा भाई, कहीं फ्री में थोड़ी ना मिल रही है, हम लोग ने बहुत सारे मेहनत कर लिया है। हम लोग इंडेक्स पेज में जाएंगे और इंडेक्स पेज से सारी सीएसएस को उठा लेंगे, देखिए सीएसएस को हम उठा लेंगे और अपने रजिस्ट्रेशन पेज के हेड सेक्शन में सिंपली पेस्ट कर देंगे। उसके बाद आ जाएंगे, हम लोग को जावास्क्रिप्ट की चीज़ें चाहिए तो हम लोग सिंपली इंडेक्स पेज में जाएंगे और यहाँ पे सबसे नीचे हम लोगों ने लिखा था जावास्क्रिप्ट, तो जावास्क्रिप्ट को सिंपली हम कॉपी कर लेंगे, सारी जावास्क्रिप्ट के कोड को रजिस्ट्रेशन पेज में आके सिंपली क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। इतना ही आप लोग को करना है और कुछ करना नहीं है। स्टेप बाय स्टेप मैंने चीज़ों को समझा दिया है, अब आपको सिर्फ यूज़ करना है, वैसे वैसे ही करना है जैसे जैसे मैं करता जा रहा हूँ। और अगर हम जाएंगे अपने नैब बार पेज में तो यहाँ पे हम लोग रजिस्ट्रेशन का एक लिंक और दे देंगे या साइनअप का लिंक दे देंगे सिंपली लॉगिन के बगल में, तो हम लोग इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे नीचे और जहाँ लॉगिन लिखा है वहाँ लिख देंगे साइन अप, ठीक है। और यहाँ पे जहाँ लॉगिन पेज का लिंक है वहाँ पे हम लोग दे देंगे रजिस्ट्रेशन पेज का लिंक और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे सिंपली यूज़र प्लस या फिर या यूज़र प्लस लिख देंगे सिंपली। और अगर आप अपने पेज को रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे साइन अप का बटन आएगा, इस साइन अप के बटन को जैसे क्लिक करोगे तो आप पहुँच जाओगे रजिस्टर पेज पे। यहाँ पे हमको रजिस्ट्रेशन की डिज़ाइनिंग करनी है सिंपली, तो आ जाइए रजिस्ट्रेशन की डिज़ाइनिंग करते हैं रजिस्टर पेज पे। कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है, जैसे जैसे मैं करता हूँ वैसे वैसे आप भी करते जाइए, ठीक है। तो हम बनाएंगे मेन टैग और मेन टैग में लगाएंगे कुछ क्लास, ठीक है, या अभी क्लास रुक जाइए, आप मेन टैग के अंदर आ जाइए और यहाँ पे लगाइए डिव, ठीक है, डिव। और डिव में सिंपली डिव होगी कंटेनर की और कंटेनर के अंदर मैं क्या बनाने वाला हूँ, मैं बनाने वाला हूँ कॉलम। तो हम लिखेंगे डिव कॉल और कॉल के अंदर एमडी, एमडी का मतलब होता है मीडियम एंड अपर की सारी स्क्रीन पे मैं इसको दूंगा चार और चार इसको लेफ्ट से शिफ्ट करने के लिए, क्योंकि टोटल 12 ग्रेड है, चार मैंने इसको दे दिया, फिर चार में लेफ्ट से शिफ्ट कर दूंगा तो ये सेंटर पर पहुँच जाएगी। तो मैं लिखूँगा ऑफसेट और MD सिंपली 4 बस। और आपको यहाँ पे फॉर्म को डिज़ाइन कर देना है, तो फॉर्म को डिज़ाइन के वक्त मैं क्या करूँगा, सारी चीज़ें रखूँगा अपने कार्ड के अंदर, कार्ड के अंदर। तो आप इस कॉलम में बनाएंगे कार्ड, तो हम लिखेंगे डिफ और डिफ के बाद लिखेंगे क्लास कार्ड, ठीक है, कार्ड बन जाएगा। और कार्ड के भाई तीन पार्ट होते हैं, आप हमेशा याद करके रखिए, कार्ड हेडर बॉडी एंड फुटर, ठीक है। तो हम आएंगे यहाँ पे तीनों पार्ट बना लेंगे, हम लिखेंगे कार्ड हेडर, हेडर फॉर हेडिंग एंड इसके बगल में मतलब नीचे पैरेलल में डिव क्लास कार्ड बॉडी। तो फटाफट आप बनाते जाइए क्योंकि ये पूरी डिज़ाइनिंग है, ये कहीं आपको याद नहीं रखनी है, ये बहुत सिंपल होती है डिज़ाइनिंग, जैसे जैसे आप काम करते जाओगे सीखते जाओगे। ओके फ्रेंड्स, तो कार्ड बॉडी बन गई, हेडर बन गया। अब अगर आपको फुटर बनाना है तो आप इसी के जस्ट पैरेलल में क्या करिए, फुटर भी बना लीजिए। तो लिखिए डिफ और लिखिए कार्ड डैश फुटर, सिंपली आपका फुटर भी रेडी है। अब आपको यहाँ पे लिखाना है रजिस्टर हियर, तो हम लिख देंगे रजिस्टर हियर सिंपल। और यहाँ पे बनाना है फॉर्म, एक बार पेज को रिफ्रेश कर लीजिए, ये देखिए रजिस्टर हियर बन गया। यहाँ पे सारे फॉर्म्स को बना देना है, रजिस्टर हियर के ऊपर आप एक आइकन लगा दीजिए, तो सिंपली आइकन में लिखिए क्लास FA डैश कंट्रोल स्पेस और 3x तो लगाना ही है, FA लगाना है यहाँ पे यूज़र सर्कल, ठीक है। रिफ्रेश करिए, देखिए आपका यूज़र भी आ गया, आप यहाँ क्या करिए BR लगा दीजिए, देखिएगा सिंपली नीचे आ गया। इस सबको सेंटर पे करने के लिए हेडर पे लगा दिए टेक्स्ट सेंटर, रिफ्रेश करिए, देखिए सबको सेंटर हो गया, परफेक्ट। आ जाइए बूटस्ट्रैप की साइट पे, फॉर्म का टैग को कॉपी कर लेते हैं, सिंपली यहाँ पे आइए और सर्च करिए फॉर्म को। फॉर्म को सर्च करने के बाद देखिए ईमेल आईडी पासवर्ड है, इतने को आप कॉपी कर लीजिए कंट्रोल, यहाँ पे आइए और कार्ड बॉडी के अंदर आप क्या करिए पेस्ट कर दिए सिंपली। रिफ्रेश करिए अपने पेज को, देखेंगे ईमेल आईडी पासवर्ड, ठीक है। तो हम लोग चेंज करेंगे, सबसे पहले ईमेल आईडी के लिए, तो ईमेल आईडी के लिए ठीक है, एक और ले लेंगे यूज़र के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे सिंपली इसको थोड़ा अलग अलग करेंगे और ठीक है, तो यूज़र के लिए मैं इसको कॉपी करता हूँ और ऊपर
और यहाँ पे लिखूँगा यूज़र नेम, और यहाँ पे मैं लिख दूँगा यूज़र अंडरस्कोर नेम, और टाइप में दे दूँगा टेक्स्ट, टाइप में क्या दे दूँगा टेक्स्ट, ठीक है। और आईडी फॉर यूज़र नेम, यूज़र नेम, और स्मॉल में हटा दीजिए, कुछ मत लिखिए, और यहाँ पे देखिए प्लेस होल्डर में लिखते हैं एंटर यूज नेम, एंटर नेम, रिफ्रेश करते हैं, देखिए एक नेम के लिए आ गया, ईमेल के लिए आ गया, पासवर्ड के लिए आ गया, एंड एग्रीमेंट पे मैं लिख दे रहा हूँ टर्म्स एंड कंडीशन, एग्री टर्म्स एंड कंडीशंस, ठीक है। आप क्या करिए, रिफ्रेश करिए, परफेक्ट, और साइन अप को हल्का सा नीचे कर दिए तो एक बीआर लगा दीजिए, यहाँ पे बीआर लगा दीजिए, हल्का सा साइन अप नीचे आ गया, परफेक्ट। फुटर को आप हटा ही दीजिए, अभी अभी तो फ़िलहाल कोई काम नहीं फुटर का, परफेक्ट। नेम हो गया, यूज़र ईमेल एड्रेस हो गया, पासवर्ड हो गया, और फिर आपको क्या चाहिए, यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड, जेंडर ले लेते हैं भाई, मेल फीमेल, ठीक है। तो चेकबॉक्स के ऊपर आप इस चीज़ को कॉपी करिए और यहाँ पे इस चीज़ को हटा दीजिए, या लेबल रखिए, कोई दिक्कत नहीं, पासवर्ड की जगह लग दीजिए सेलेक्ट, सेलेक्ट जेंडर, जेंडर, और यहाँ पे लिख देते हैं जेंडर, रिफ्रेश करते हैं, देखिए जेंडर का ऑप्शन आ गया, बट आपको इनपुट टाइप पासवर्ड नहीं चाहिए, इनपुट टाइप रेडियो बटन चाहिए, रेडियो बटन, फॉर्म कंट्रोल कंट्रोल, तो ठीक है भाई, आईडी वाईडी भी सब ठीक है, जेंडर, जेंडर, प्लेस होल्डर को हटा देते हैं यहाँ से, रिफ्रेश करते हैं, देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसमें फॉर्म कंट्रोल भी हटा देते हैं, परफेक्ट, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मैं बी आर लगा के नीचे कर देता हूँ, और यहाँ पर लिख देता हूँ मेल, मेल, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं, इसी की एक डुप्लीकेट बनाते हैं, और यहाँ पर लिख देते हैं फीमेल, और कर देते हैं रिफ्रेश, परफेक्ट, ठीक है। तो सेलेक्ट जेंडर कर लेगा, मेल फीमेल दोनों सेलेक्ट हो रही, तो एक एक सेलेक्ट करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करिए, कंट्रोल शिफ्ट यहाँ भी क्लिक कर दीजिए, और यहाँ लिखिए नेम इक्वल टू, दोनों का नाम सेम दे दीजिए, जेंडर, रिफ्रेश करिए, अब एक बार में एक ही क्लिक हो गई, परफेक्ट। तो यूज़र मैंने क्या किया है कि मैंने यूज़र डिटेल में साइन अप करते समय इतनी ही चीज़ें ली हैं, और एक चीज़ मैं और करने जा रहा हूँ, मैं थोड़ा सा इसका कॉलम बढ़ाने जा रहा हूँ 6, और इसको शिफ्ट करूँगा 3, तो थोड़ा सा ये थोड़ा वाइड हो जाएगा फॉर्म, परफेक्ट, ठीक है। तो अब यहाँ फिर मेल फीमेल हो जाएगा, सबमिट कर देगा, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो मैंने यूज़र की डिटेल में सिर्फ उसका नाम लिया है, ईमेल लिया है, पासवर्ड लिया है, एंड उसके उसकी थोड़ी सी डिटेल, इसके मेल और फीमेल की एक डिटेल ली है, परफेक्ट। एक फील्ड में और ले लेता हूँ अबाउट की, ठीक है। तो अबाउट की फील्ड लेने के लिए मैं क्या करता हूँ, सिंपली यहाँ पर चेकबॉक्स से ऊपर एक डिव और बनाता हूँ, डिव क्लास फॉर्म ग्रुप, और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा टेक्स्ट एरिया, ठीक है। क्या यूज़ करूँगा, टेक्स्ट एरिया, और टेक्स्ट एरिया में नाम दे दूँगा अबाउट, उस अपने बारे में कुछ डाल सके, ठीक है। और प्लेस होल्डर में मैं लिखूँगा प्लेस होल्डर एंटर समथिंग, समथिंग अबाउट योर सेल्फ, समथिंग अबाउट योर सेल्फ, ठीक है। तो वो कुछ डाल देगा, देखिए ये देखिए समथिंग अबाउट योर सेल्फ, और मैं क्या करता हूँ इसके पे क्लास लगा देता हूँ फॉर्म ग्रुप या फॉर्म कंट्रोल, फॉर्म कंट्रोल, रिफ्रेश करते हैं, परफेक्ट, ठीक है। तो ये इतना फॉर्म फिल करके जैसे सबमिट करेगा तो हमारा यूज़र क्या हो जाएगा, रजिस्टर हो जाएगा। कॉलम हल्का इसका छोटा कर सकते हैं, देखिए कॉलम 30 है, या रो देखिए 10 है, इस रो को मैं 5 कर देता हूँ, और इस कॉलम को क्या कर देता हूँ, हटा देता हूँ, ठीक है। अब परफेक्ट है, अपने बारे में कुछ लिख देगा, सेलेक्ट डिलीट कर लेगा, रजिस्टर कर। अब लोग क्या करते हैं, सिंपली देखिए मेन पे कुछ क्लासेस यूज़ करते हैं, तो मेन पे आते हैं, लिखते हैं क्लास, और क्लास में लिखते हैं प्राइमरी बैकग्राउंड, रिफ्रेश करते हैं, प्राइमरी बैकग्राउंड। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, हल्का सा पैडिंग भी दे देता हूँ, तो पैडिंग P5 दे देता हूँ, परफेक्ट। और यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ बैनर बैकग्राउंड, रिफ्रेश करता हूँ, परफेक्ट, ठीक है, परफेक्ट। अब लोग क्या करते हैं, हम लोग ले आते हैं अपना यहाँ पे नैब बार, तो नैब बार लाने के लिए सिंपली क्या करिए, यहाँ पे लगाइए परसेंटेज
एट द रेट इंक्लूड डायरेक्टिव, और लिखिए फाइल, और फाइल में लिखिए नॉर्मल नेबार, नॉर्मल नेबार, रिफ्रेश कर दिए तो आपका नेबार भी आ गया, ठीक है। बट यहाँ पे हो क्या रहा है कि इस बैकग्राउंड थोड़ा सा आपके इससे दिक्कत कर रहा है, तो आप क्या करिए, हल्का सा बैकग्राउंड की हाइट को या नीचे की बॉटम की पैडिंग हल्का बढ़ा दिए यहाँ से। तो हम लोग बढ़ाने को ट्राई करते हैं, हम लोग लिखेंगे स्टाइल और लिखेंगे पैडिंग बॉटम, पैडिंग बॉटम में दे देते हैं 50 pixels, ठीक है 50 pixels, और हल्का रिफ्रेश कर दें ट्राई, ठीक है। तो हुआ नहीं, फिर से थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, 80 कर देते हैं, आप ठीक लग रहा है, परफेक्ट। और हम इसको भी क्या करते हैं, इसका भी बैकग्राउंड हल्का चेंज कर देते हैं, हेडर का भी बैकग्राउंड चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं प्राइमरी बैकग्राउंड टेक्स्ट वाइट, और अगर रिफ्रेश करेंगे तो परफेक्ट है हमारा। ये हो गया लॉगिन पेज, ये हो गया साइनअप पेज, और हमारा ये लॉगिन पेज, ये साइनअप पेज, और ये होम पेज। आप क्या कर सकते हो इसमें, और भी अच्छे अच्छे तरीके से क्लिप आर्ट को डिज़ाइन कर सकते हो, इस तरफ से भी चेंज कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है कैसा आप करना चाह रहे हो। मैंने यहाँ पे सिंपल और क्लासिक डिज़ाइन यूज़ किया है, जो कि आजकल के ट्रेंड्स में फॉलो होता है। आप अपने हिसाब से पेज को डिज़ाइन कर सकते हो, बट मेरे अकॉर्डिंग अभी ये बहुत ही क्लासिक और खूबसूरत लग रहा है। 3 pages हमारे कंप्लीट हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इनकी वर्किंग सीखेंगे कि आप कैसे साइनअप करोगे। वीडियोज़ हल्का थोड़ा सा लंबी होंगी, प्रोजेक्ट बन रहा है, तो ये सब चीज़ सीखेंगे, और उसके बाद हम लोग लॉगिन करना सीखेंगे। ये कंप्लीट मॉड्यूल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो ये वीडियो हम लोग नेक्स्ट डे लाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और हाँ इसको प्रैक्टिस करिए, आप बनाइए, क्योंकि बैकएंड के साथ साथ आपको फ्रंट एंड भी आना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं, बाय बाय।